छठे राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की हुई घोषणा। 3 नवंबर को मतदान होंगे जबकि 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी के भाषण का वीडियो हुआ वायरल। 25वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कर्नाटक के मैसूर में जनसभा को कर रहे थे संबोधित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 26वां दिन कर्नाटक के मैसूर से शुरू हुई पदयात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल। 26वें दिन की यात्रा के दौरान मैसूर में राहुल गांधी मस्जिद आजम, सेंट फिलोमेना चर्च और सितूर मठ पहुंचे। तीनों धर्मों के प्रमुखों से लिया आशीर्वाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी शासित कर्नाटक में जारी है। यात्रा को मिल रही सफलता से खुश हैं सोनिया गांधी। 6 अक्टूबर को यात्रा में होंगी शामिल। दक्षिण पूर्व कोलकाता में हिंदू महासभा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई दर्ज। मां दुर्गा की प्रतिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिखाया गया था अशोक। भारत में विकसित हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सेना में शामिल। प्रचंड रखा गया हेलीकॉप्टर का नाम। राजनाथ बोले सुपर पावर में होगी भारत की बात। 2 दिन के गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहमदाबाद पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। चरखा भी चलाया। ईरानी विमान में बम की सूचना से दिल्ली में हड़कंप। चीन की ओर रवाना हुआ विमान। अलर्ट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान। हिमाचल प्रदेश में पिछड़ रही है बीजेपी। सीएम जयराम ठाकुर के काम से खुश नहीं है लोग। राज्य में हुए सर्वे से हुआ खुलासा।